हाय गाइस नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानुक राय, आप देख रहे हैं हिंदी टेक वीडियो यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पोको एक्स थ्री के बारे में। रिसेंटली जो अपना पोको एक्स थ्री, इसके अंदर दोस्तों MIUI 12.0.1.0 का अपडेट देखने को मिला है एंड्रॉयड 11 के साथ। एंड इस वीडियो के अंदर हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। मेरे पास जो पोको एक्स थ्री है उसके अंदर ये जो अपडेट है हमें देखने को नहीं मिला है। ये जो अपडेट है फिलहाल अभी मी पायलट टेस्टर के लिए है। सो अगर आप टेस्टर के लिए अप्लाई करते हो तभी दोस्तों ये जो अपडेट है आपको देखने को मिल जाएगा। सभी यूज़र के लिए ये जो अपडेट नहीं है। एंड हमारे पास कुछ स्क्रीनशॉट है ना, इस वीडियो के अंदर आपको मालूम चल जाएगा आपको पोको एक्स थ्री के अंदर ये जो नया अपडेट आने वाला है MIUI 12.0.1.0 इसके अंदर क्या क्या फीचर्स को ऐड करके दिया गया है। बट सबसे पहले भाई सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेट कर देना। एंड मैंने एक नया चैनल को स्टार्ट किया था, उस चैनल का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। उस चैनल को भी आप चाहो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हो। एनीवे सबसे पहले दोस्तों ये पर बात कर लेते हैं, ये जो अपडेट है 12.0.1.0 अपडेट, इस अपडेट के अंदर हाईलाइट क्या है। तो इस अपडेट के अंदर फाइनली अपना जो पोको एक्स थ्री है उसके अंदर एंड्रॉयड 11 का ऑफिशियल स्टेबल अपडेट आने वाला है। ध्यान देने वाली बात होगी जितने भी डिवाइस है जो कि एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 11 के अंदर अपडेट आया है, सभी डिवाइस के अंदर बग्स भर भर के देखने को मिला है। उसी जो रीति है वो रीति हमें यहाँ पर यहाँ पर हमें पोको एक्स थ्री के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर कतई रिकमेंड नहीं करूँगा ये जो अपडेट है अभी फिलहाल इंस्टॉल करने के लिए। तो बात कर लेते हैं इस अपडेट के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो अपडेट जो है दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरह से है, 2.3 GB का अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। एंड बहुत ही माइनर चेंजेस है। मेनली सबसे जो बड़ा चेंजेस है दोस्तों एंड्रॉइड 11 का अपडेट हमें देखने को मिला है। बट एंड्रॉइड 10 एंड एंड्रॉइड 11 के अंदर MIUI के साथ कोई भी ज्यादा डिफरेंस हमें समझ में नहीं आता है। देख सकते हो 2.3 GB का अपडेट है MIUI 12.0.1.0 के अंदर। एंड यहाँ पर देख सकते हो बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या ऐड करके दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें जो स्टेबल MIUI बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11, सबको यहाँ पर एंड्रॉइड 11 का जो स्टेबल बिल्ड है वो MIUI की तरफ से देने को मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है दोस्तों हमें May 2021 के अंदर डाल दिया गया है। भाई साहब मई का तो महीना अभी नहीं रहा, अभी तो जून का महीना है। सो जून का जो सिक्योरिटी पैच है वो डालना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। एज ए दोस्तों यहाँ पर जो स्ट्रेस बर एंड नोटिफिकेशन सेट है इसके अंदर जो GPS टॉगल है इसे अभी लोकेशन नाम से डाल दिया गया है। मतलब यहाँ पर जो आपको टॉगल है, टॉगल के अंदर जो आपको GPS करके देखने को मिलता था वो अभी आपको लोकेशन के जो नाम पे देखने को मिलेगा। सो ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। सो यहाँ पर 2.3 GB के अंदर यही चीज़ को डाला गया है, आपको यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिलता है जो कि आप देख सकते हो। मेनली एंड्रॉयड 11 को डाल दिया गया है जो कि अभी फिलहाल टेस्टिंग के लिए है। उसके अंदर ढेर सारी बग डेफिनेटली देखने को मिलेगी। जितने भी डिवाइस जो कि एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 11 के अंदर आया है उसके अंदर बग्स हमें बहुत सारे देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर सिस्टम के अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है भाई, सब सिक्योरिटी पैच पर अपडेट कर दिया गया है। एंड आपका जो GPS टॉगल का नेम को और लोकेशन कर दिया गया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एंड और एक बात है दोस्तों यहाँ पर अगर बात करूँ एंड्रॉइड 11 की गेस्चर्स की, वो हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर आप जो फुल स्क्रीन गेस्चर्स, फुल स्क्रीन का जो इंडिकेटर है उसे हाइड कर पाओगे एंड डबल चेक फॉर गेस्चर्स कर सकते हो। बट आपको जो एंड्रॉइड 11 का जो गेस्चर्स है, एंड्रॉइड 10 का जो गेस्चर्स है, हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। नाउ दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको इस अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अपडेट है अभी फिलहाल मी पायलट रिलीज के लिए है, मतलब मी पायलट जो टेस्टर है उसे ही देखने को मिलेगा। अगर आप इस रॉम को फ्लैश करना चाहते हो तो आपको पूरा दोस्तों वाइप करना होगा, उसके बाद फ्लैश करना होगा टीलर रिकवरी से। और आप चाहो तो जो अपना टीलर रिकवरी को छोड़ के भी फ्लैश कर सकते हो, अगर आप सिस्टम रिकवरी से और स्टॉक रिकवरी से फ्लैश करना चाहते हो। तो फ्लैश मेरे सबसे नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे पहला बात है टेस्टिंग पर्पस के लिए है, बीटा जो पायलट टेस्टर है MIUI का उसके लिए है। नेक्स्ट जो है भाई साहब एंड्रॉइड 10 से एंड्रॉइड 11 का आने का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी नया फीचर्स तो हमें देखने को नहीं मिलता है। जो MIUI के अंदर है वही है, अगर MIUI अपडेट होता तो अलग बात है, बट यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन अपडेट देने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों, अगर आप इस अपडेट को कर लेते हो, करने के बाद आपको बहुत सारी दिक्कत देखने को मिल जाती है। जैसे कि लास्ट पास्ट में जो जो इशू हमें देने को मिला है एंड्रॉइड 10 से एंड्रॉइड 11 अपडेट आने के बाद MIUI डिवाइस के अंदर, वो काफ़ी बुरा है। इसकी पोको एक्स टू डिवाइस को ही मान लो, पोको एक्स टू डिवाइस के अंदर एंड्रॉइड जो 10 के अंदर है काफ़ी बढ़िया चला, बट एंड्रॉइड 11 के अंदर जाने के बाद बहुत सारी लैग, हैंग, हीटिंग, चार्जिंग का इशू देखने को मिला, कैमरा का इशू देखने को मिला। उसी तरह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये जो अपडेट है सिंपली इसे इग्नोर कीजिए। मैं पर्सनली आपको अगर मैं बोलूँ मैं कौन सा बिल्ड के अंदर हूँ आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, छोड़ो यहाँ पर देखिए, मैं फिलहाल पर्सनली जो है MIUI 12.0.8 के अंदर मैं रन कर रहा हूँ।
एंड इसके अंदर मैं हूँ एंड कोई भी अपडेट देने का मेरे पास कोई शौक नहीं है, मेरे को भाई सब देना ही नहीं है अपडेट, सच बताओ तो, क्योंकि अपडेट देने से फ़ोन जो है डेफिनेटली स्लो होगा ही होगा, ये चीज़ आप मान लो, एंड बग तो आएगी वो तो अलग से। सो मेरे को भाई सब बग फ्री एक्सपीरियंस चाहिए, मेरे को एंड्रॉयड वर्सन से फ़र्क नहीं पड़ता है, MIUI वर्सन से भाई सब ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है, MIUI 11 MIUI 12 के अंदर विजुअल चेंजेस ही है, ज़्यादा कुछ ऑप्शन के अंदर चेंजेस नहीं है। तो मैं अगर आपके पास एक ही फ़ोन है जिसके अंदर आप सब काम करते हो तो आपको जो एंड्रॉयड वर्सन है उसे अपडेट करने की जरूरत नहीं है, मतलब MIUI का जो अपडेट हो उससे मत ही करो, वही बढ़िया है मेरी सबसे, बाकी आपके ऊपर है। सो यही देखने को मिलता था पोको X3 के इस MIUI 12.0.1.0 बिल्ड के अंदर 3GB का अपडेट है, जल्दी आपको देने को मिल जाएगा। एंड मार्च के 8 महीने के अंदर 8 मार्च 2021 के अंदर मैंने वीडियो बनाया था पोको X3 के अंदर एंड्रॉइड 11 का जो ऑफिशियल अपडेट है वो आने वाला है। अभी फिलहाल जून का महीना हो चुका है लगभग, यहाँ पर मार्च अप्रैल मई जून लगभग 4 महीने के बाद, सो 4 महीने के बाद जो है अपना जो अपडेट है आ चुका है। एंड अभी तक ये सब पायलट टेस्टर के लिए है, बहुत ही जल्दी नॉर्मल जो यूज़र है इसे अपडेट कर सकते हैं, उसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। एनीवे होपफुली वीडियो को पसंद होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।